नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर विस्तार से। औरंगाबाद जिला स्थित देव प्रखंड के विश्रामपुर गांव में सीआरपीएफ के 153वीं बटालियन द्वारा नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और युवतियों के बीच में आश्रमार्थ पत्र के साथ स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीआरपीएफ 153वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी प्रेम कुमार, सहायक कमांडेंट बी सरल कुमार, एसआई विजय पाल, देव थाना के एसआई दिनेश मंडल ने किया। और इस दौरान सीआरपीएफ के नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत पिछले 21 दिनों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के बीच 10 सिलाई मशीन का वितरण किया गया। सीआरपीएफ आम ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को जागरूक करने के साथ उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देती है। ग्रामीणों को कहा जाता है कि भय मुक्त समाज बनाने के लिए हमसे जितना सहयोग हो सीआरपीएफ 24 घंटे देने के लिए तैयार है। ग्रामीण इलाकों के गांव में समय समय पर अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाती है, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि मुख्य धारा में रहकर लोग इसका लाभ लें। और इस दौरान विश्रामपुर, बेलवा, डुमरी, दोशमा, कोयरी, बिगहा एवं अन्य गांव के पूनम कुमारी, रेखा कुमारी, प्रियंका कुमारी सहित अन्य 10 लोगों को सिलाई मशीन दिया गया। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, ये जो मशीन मिला कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला? ये मशीन विश्रामपुर गांव में सीआरपीएफ के कैंप लगा हुआ है, उसी कैंप के द्वारा मिला है मशीन। और इस महिलाओं के मशीन दिया जा रहा है कि कम से कम महिलाओं आत्मनिर्भर हो और ये मशीन ले जा करके अपने गांव में और महिलाओं के उत्सुकता को जगाए, आसपास की पड़ोसी महिलाओं, इससे मतलब कुछ आमदनी भी आए महिलाओं के। बहुत महिलाओं की दिक्कत होता है घर में किसी भी तरह के पैसा के लिए, रोजगार के लिए, तो छोटा मोटा रोजगार भी इससे कर सकते हैं। बहुत मैं खुश हूँ कि इस नक्सलवादी एरिया में मशीन वितरण किया गया, इससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ा है और बहुत मैं खुश हूँ। तो क्या लाभ है इससे? आज हमारे विश्रामपुर गांव में, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जो कि देव प्रखंड देव थाना में आता है, वहां पर महिलाओं और बच्चियों को सिलाई ट्रेनिंग देने के बाद उनको 10 लोगों को उनमें सिलाई मशीन दिया गया और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम में इनको रोजगार से जोड़ने के लिए एक पहल की गई है, क्योंकि कैंप हमारा अभी हाल में लगा है, 15-20 दिन हुआ है। उसके साथ ही जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ की विकास की किरणें बहुत कम पहुँच पाई है, सरकार के अन्य कार्यक्रम भी हम लोग लेकर आ रहे हैं और सीआरपीएफ के द्वारा भी यहाँ पर लोगों को कंबल का वितरण, मच्छरदानी का वितरण, और साथ ही यहाँ पर हम लोग सिविलिंग के लिए मेडिकल कैंप भी लगाने वाले हैं। और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ नागरिकों के लिए और जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग हैं उनके तक पहुँचने का कार्य करेंगे। सर, मुख्य धारा से जो भटक गए हैं ग्रामीण, उनको लोग अभी कुछ कहेंगे आप इस कार्य? उनके लिए वही है कि यहाँ वृद्धा पेंशन है और अब जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए पेंशन है या अन्य कार्यक्रम जो है रोजगार से जोड़ने के लिए, हम लोग सरकार के बीच में हम लोग मध्यम कड़ी का काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ फोर्स जो है केवल नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा के साथ साथ उनको रोजगार से, स्वास्थ्य से और उनको साथ ही साथ उनका विकास के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। शुक्रवार को 9 घंटे की बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की सूचना मिली है। बारिश के साथ ही तेज हवा चलने से गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे 30% गेहूं की फसल को हानि का अनुमान है। और उधर प्रगतिशील कृषक एवं पूर्व ग्राम प्रधान रविंदर सिंह ने क्षतिग्रस्त गेहूं एवं सब्जियों को हुए नुकसान का राज्य सरकार से आकलन करने की मांग की। आपको बताते चले कि बारिश के चलते फसल की पैदावार इस बार कम होने की संभावना है और इस समय बारिश के चलते सभी किसान मायूस दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी बात गदरपुर तहसीलदार भुवन चंद्र से हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मेरे द्वारा लेखपालों और पटवारियों को निर्देशित किया गया, जो भी रबी फसल का नुकसान हुआ है वे अपने क्षेत्र का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रेषित करें। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाह नूर अली की रिपोर्ट। दिनांक 6 तारीख को बारिश काफ़ी हुई है और मैंने अपने क्षेत्रीय पटवारियों को, लेखपालों को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ रबी फसल को, तो उसका अपना जायजा ले लें और उसकी सूचना हमें उपलब्ध कराएं,
उसमें पटवारियों के द्वारा ये बताया गया है कि 15-25% के बीच में गेहूं की फसल को कुछ नुकसान हुआ है। और आज तो मौसम धूप आ गई है, लगता है कि गेहूं जो थोड़ा सा वो लुढ़क गए थे वो इस धूप से थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा तो फिर ये पूरा जो बारिश हुई है पूरे उधम सिंह नगर में ही हुई है, और जो उधम सिंह नगर में हुआ तो सारे तहसीलों से जो सूचना एकत्रित करके जिलाधिकारी महोदय को जाएंगे, तो जिलाधिकारी महोदय जो हमें और दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार अनुपालन किया जाएगा। अगर कोई राहत वाली बात आएगी तो उसके अनुसार हम उसका पालन करेंगे। जी वो ठीक ही है, जब फसल वाली बात आएगी तो उसमें फिर सारे फसल में से फसल तो उसमें सारे एडजस्ट किए जाएंगे। और जिस काश्तकारों के द्वारा किसानों के द्वारा अपने फसल बीमा कराया गया है तो वहाँ से जो क्षतिपूर्ति के संबंध में जो जांच आख्या वगैरह मांग संयुक्त रूप से मांगी जाएगी तो उनको लाभ वहाँ से फसल बीमा के आधार पर मिल जाएगा। और जो ऐसे प्रभावित लोग होंगे जो हमारे वहाँ जो दिशा निर्देश होंगे तो उनको हम अपने स्तर से निस्तारण किया जाएगा। ये जो बेमौसमी रबी की फसल पर बरसात हुई है और ऐसी बरसात कभी बरसात के मौसम में भी नहीं होती है जो बेमौसमी बरसात हुई है, इससे लगभग गेहूं की जो है 80% फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ये आप मेरे पीछे ही आप देख रहे होगे, बिल्कुल गेहूं लेट गई है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, जगह जगह ओले भी पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सरकार से हमारी यही मांग है कि किसान की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, सरकार जो है सर्वे कराकर अधिक से अधिक जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, तभी किसान जो है वो ठीक ठाक हो पाएगा। नहीं तो किसान जो है इस बार रोटी रोजी के भी उसको लाले पड़ जाएंगे। किसान की इस समय बहुत ही बुरी हालत है कि किसान जो है वो अन्नदाता है, इस भारत वर्ष का वो अन्नदाता है। किसान से ही सारा मजदूर भी जुड़े हुए हैं, किसान जो है बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की फीस है, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। किसान की जो हालत है इस समय, किसान को इस समय रोटी अच्छी नहीं लग रही है। मैं अपनी बता रहा हूँ कि हमारा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा है, यही हमारा आय का जरिया है, जो हमारी खेती है वो इस समय भी कुछ चौपट हो गई है। और सारे खेती से जुड़े हुए जो हमारा मजदूर वर्ग है वो भी खेती से जुड़ा, अगर फसल ही नहीं होगी तो फिर मजदूर को भी कहाँ से मिलेगा। इसलिए मेरा सरकार से बारंबार ये आग्रह है कि सर्वे कराकर किसानों की ये जो नुकसान है इसकी भरपाई की जाए। सिकंदरपुर बलिया क्षेत्र के स्थित दादर महाविद्यालय पिछले 4 वर्षों से कई बुलंदियों को छुआ है और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर 63 अन्य पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों ने न केवल महाविद्यालय का बल्कि क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। सफलता की इस क्रम में ननहुल निवासी श्री कृष्ण यादव की पुत्री पूनम यादव ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता भूगोल परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्साह भर दी है। पूनम यादव वर्तमान में शोध की छात्रा हैं और अब तक उन्होंने 4 बार नेट व 1 बार JRF के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने अपने आवास पर फास्ट न्यूज इंडिया से वार्ता करते हुए सारी जानकारी दी और होली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूनम यादव है, पिता श्री कृष्ण यादव और माता श्री मीना देवी। अभी अभी आपके घर में एक अच्छे तुम सबसे बड़ी खुशी आई है, किस तरह का खुशी है थोड़ा उसको प्रकाश डालें। मैंने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से इंटरमीडिएट की प्रवक्ता बनी हूँ जी, और इसकी तैयारी के लिए मैंने ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करके और ये सफलता मैंने अर्जित किया। और मैं इस पर मेरे गुरु जी श्री उदय पासवान और मेरी माता पिता भाई बहन सबका योगदान है, लेकिन सर्वाधिक योगदान हमारे गुरुजी श्री उदय पासवान जी का है। जब तैयारी चल रहा था तो क्या आपके मन में विश्वास था, लगन थी, आस्था थी कि मतलब हमारा रिजल्ट आने पर क्या मुझे घोषित होगा या शुभकामना के रूप में हमें बधाई मिलेगी, ऐसा कुछ मन में था? रिजल्ट निकला तो हमें तो बहुत खुशी हुई और मैंने सबसे प्रथम अपने सर को मैसेज किया, क्योंकि रात थी 2 बज रहे थे और मैंने पापा मम्मी सबको बताया। मुझे खुशी थी कि इतनी मुझे हो रही है, मेरे पापा को भी उससे ज्यादा हो रही है। तो मतलब पहले से अनुभव था? अनुभव तो पहले से नहीं था,
लेकिन आने के बाद ही पता चला होगा। ऐसा लगा कि हाँ रिजल्ट आने के बाद मुझे तो ये था किसी तरह मुझे नौकरी मिले, लेकिन आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों में महानगरों में अच्छे अच्छे पोस्टों पे लोग आते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पे चूंकि बढ़िया जनपद में आने की सबसे बड़ी खुशी की बात है इसे किसी एक गाँव से ऐसा गाँव से जहाँ पे ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग पढ़ के इतना बनेंगे आगे और एक नौकरी पिताजी के पास नहीं है, फिर भी हम लोग को हर किसान कहा जा सकता है किसान गरीब परिवार से जुड़े हुए परिवार से जुड़े हैं और हम लोगों ने इतना उत्तर शिक्षा में आगे सारी मेरी बहनें ने इसलिए किसे देंगे आप पहले माता पिता या गुरु को? माता पिता उसके बाद गुरुजी को, क्योंकि मेरे बाबू पापा नहीं भेजे रहते मेरे गुरुजी नहीं पढ़ा पाते। अच्छा। हाँ तो गुरुजी ने भी बहुत मेहनत किया, अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो हम लोग इतना नहीं कर पाते, लेकिन घर से मेरे माँ बापा भेजते ही नहीं तो मैं कैसे पढ़ती। जी जी। हाँ और अभी तक मेरे शादी होने के बाद भी उन्होंने बहुत सहयोग किए हैं मेरे पिताजी। धन्यवाद। माता जी अपना नाम बताएं। उर्मिला देवी। तो आज आपकी पुत्री हाई कमान छू गई, मतलब जमीन से और आसमान पे पहुंच गई, इस तरफ आप क्या सब बधाई देना चाहेंगी? आप कितनी खुशी हो रही है आपको? हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी लड़की गरीबी हालत में हम लोग पढ़ाए और पढ़ लिख करके हुए अपना पैर पर खड़ा हो गई, हमको बड़ी खुशी है कि इसी तरह से सब लड़कियां पढ़ के। तब तो इनकी शादी हो चुकी है। हाँ। कुछ मिलने वाला था तो ऐसा नहीं है। नहीं तो उसकी खुशी होगी तो हमको भी खुशी रहेगा, हमको दुख नहीं है, ये है कि वो खुशी से पढ़ो लिखो और खाओ पियो। तो संदेश होली का दिन है, संदेश क्या देंगी देशवासियों को क्षेत्रवासियों को, संदेश क्या होगा बताइए एक शब्द में, क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? मैं तो ये कहूंगी मैं अपने गांव क्षेत्र की जितनी भी लड़कियां हैं सभी मम्मी पापा से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि वो लोग अपने बच्चियों को पढ़ाए और ये ना समझे कि लड़कों से कम है, लड़कियां भी लड़कों से आगे है और अगर मेहनत कराए उनको पढ़ाए, ये ना कि हाई स्कूल इंटर के बाद शादी कर दे, शादी करने को ऐसे घर में शादियों को भी पढ़ाए, मतलब लाए अपने बहू को भी तो पढ़ाए। बहू के लिए आपके लिए संदेश जी को ले तो मैं तो उनकी हमेशा आभारी ही रहूंगी। कोई शब्द ही नहीं, कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे प्रशंसा करूं हमारे गुरु जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। रुक जाए। हाँ ये सभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पटेल थाना प्रतिनिधि मछली शहर जौनपुर से समस्त देशवासियों मछली शहर वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजवान खान जिला प्रतिनिधि अहमदाबाद गुजरात की तरफ से समस्त अहमदाबाद वासी एवं देशवासियों को होलिका दहन एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लालता प्रजापति डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाराणसी की तरफ से काशी विश्वनाथ नगर वासियों एवं समस्त भारतीयों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक कुमार शर्मा प्रदेश प्रतिनिधि वेस्ट बंगाल की तरफ से समस्त देशवासियों एवं वेस्ट बंगाल वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि असालतपुर जरई संभल से रिंकू दिवाकर की तरफ से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साइन हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन दिनांक 1 मार्च 2020 दिन रविवार सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक। सुरेश भाई अमरजीत यादव जिला प्रतिनिधि सूरत गुजरात से समस्त भारतीयों एवं सूरत वासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश बिजनौर मंडावर क्षेत्र में भारी बारिश होने से किसानों का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, किसानों में रोष व्याप्त है। गांव रतनपुर रियाया के किसान जवाहर सिंह ने बताया कि कई दिन से लगातार हो रही बारिश से हमने गन्ना बुआई के लिए खेत तैयार करके डाल दिया था और बारिश होने से हमारी गन्ने की फसल भी बहुत पीछे हो गई है और गेहूं की फसल धरती पर धराशायी हो गया है। हमें लग रहा है कि आपकी जिस तरह से हर वर्ष गेहूं की फसल में इजाफा हमें होता था वह नहीं हो पाएगा और हम किसान लोग इस बारिश से होने से बहुत ही परेशान हुए। बिजनौर से हमारे संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर आएगा। जिला कौन सा पड़ता है? जिला बिजनौर पड़ता है। आपको ये बताएं कि जैसे बारिश पड़ी है आप जैसे किसान भाइयों को क्या नुकसान हुआ इससे? इस बारिश से तो बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक। जैसे आपने ये गेहूँ की फसल खराब हो चुकी है, गन्ने की तैयारी कर रखी थी बोने के लिए, वो भी अब लेट हो चुकी है। काफ़ी बारिश तकड़ी हुई है। बहुत तकड़ी बारिश हुई है। अच्छा, तो इससे गेहूँ की फसल को क्या नुकसान पहुँचा है? अजी काफ़ी नुकसान हो गया था, सब गेहूँ लोट फोट हो गया है। अब ये पड़कर जो ना पुराली बननी है इसकी, इसमें कुछ नहीं मिलना। अच्छा, तो जब क्या इसमें जो एवरेज निकलता था क्या इसमें आपके क्या लग रहा है, आपको एवरेज पूरा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा सर, कतई नहीं निकल पाएगा। और ये गन्ने की जो फसल सिर पे है आपके बोने के लिए, तो इसमें आप बताएं कि कितना लेट हो चुका है लगभग?
ये कम से कम 20 दिन लेट हो चुका सरकार। हाँ तो आपने खेत भी तैयार की? जी हाँ, गन्ने की बुआई के लिए तैयार था मामला। अब डबल जुताई करनी पड़ेगी, डबल तैयार करना पड़ेगा, जब जाकर कहीं गन्ना बोया जाएगा। तो काफी बारिश हुई है? जी हाँ। नगर के रहिला पाली में स्थित वंदना कोचिंग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी में नेहरू युवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुद्दा आधारित जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण तथा स्वच्छ भारत अभियान, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा आदि पर बच्चों ने भिन्न भिन्न तरीकों से अपने कला को प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएन त्रिपाठी खंड विकास अधिकारी रहे। वहीं विशिष्ट सुशील कुमार प्राथमिक शिक्षक संघ नवानगर, योगेंद्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी जहीर आलम प्रधानाध्यापक रहे। संचालन आकाश तिवारी ने किया और कार्यक्रम के सलभ उपाध्याय जिला परियोजना अधिकारी ने किया। वहीं नेहरू युवा कार्यक्रम से आए लोगों में दिग्विजय पांडे, नितेश पाठक, उमेश चंद्र नगर पंचायत अध्यापक में उपस्थित सनोज कुमार गौतम, प्रीति श्रीवास्तव, सुशील सर, केशव सर, धनंजय मिश्रा और विनोद कुमार अन्य लोग मौजूद रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। प्रोग्राम में स्थानीय समस्या पर चर्चा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण समाज में इसका सूचना संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे लिए बेटियों का मॉडल सीखना है और हमारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन है कि बेटी को आज की डेट में देश में पढ़ाना है, लेवल में उनको रखना है। युवाओं यही है कि युवाएं पढ़े, ध्यान दें, फालतू चीजें ना पढ़े, अपने पढ़ाई लिखाई और कैरियर पर मैं यही कहूँगा कि होली आराम से मनाए, आनंद से मिलाए मनाए और आसपास से भाईचारा का से संदेश जाए और एक मेरा सबसे ये संदेश कि कोरोना वायरस फैला हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दें। और निवेदन करना चाहूंगा अपने तमाम नौजवान साथियों से, जो होली का त्यौहार होता है सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए होली के त्यौहार को बहुत मनाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा जातीयता का प्रत्याग करना बहुत दर्शन युवाओं के लिए कोई संदेश आपके द्वारा, क्योंकि युवाओं के लिए मैं इतना संदेश देना चाहूंगा क्योंकि जो युवा होते हैं किसी भी राज्य किसी भी समाज के निर्माता होते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के कंधों पर राज्य के नव निर्माण का उत्तर दायित्व है। क्योंकि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा आज हम युवाओं को राष्ट्रीय अंतर अपने हृदय में राष्ट्रीयता का प्रदुभाव करना होगा, तब जाकर के हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बना सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बना सकते हैं, सभी युवाओं का अंतर्राष्ट्रीयता का प्रदुभाव करना आवश्यक है। दूसरा जो ले लेते हैं ना के पास सिर्फ दो बच्चे हैं, एक लड़का या एक लड़की या दो लड़की है, उनको इस योजना का पात्र माना गया है। वो जन्म से ही 1 अप्रैल 2018 से अगर पैदा है तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। जो बच्चे कक्षा 1 में गए हैं। समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।